बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में कल हफ्ता वाले दिन ईद होगी या अतवार वाले दिन परसों ईद होगी सऊदी अरब में, इसके मुतल्लक अभी फैसला सुना दिया गया है जी। ये देख लीजिए, मदीना शरीफ से लाइव मौजूद हैं आप। देख लीजिए, मदीना शरीफ में बारिश लगी हुई है, आसमां पर बादल छाए हुए हैं, चाँद तो देखा नहीं जा सकता बिल्कुल, और माहरे फलकियात ही इसके मुतल्लक बताएंगे। और फैसला सुना दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सऊदी अरब में सुबह ईद होगी या परसों होगी, तो देख लीजिए मदीना शरीफ में तो बारिश लगी हुई है, फुल बादल छाए हुए हैं आसमान पर, और कर्फ्यू भी मगरब के बाद से शुरू हो जाएगा जो कि 4 शवाल तक रहेगा। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यौम गदल सबत मुकम्मल शाह रमज़ान वफी अल सऊदिया व ईद अल फितर यौम अल अहद बा इज़्नुल्लाह अल सऊदिया। जी मेरे भाई, सऊदी अरब में कल 30 रमज़ान होगा, यानी कि पूरे 30 रोज़े हो गए हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब पूरे में कल 30वां रमज़ान रखा जाएगा, सहरी की जाएगी, अफ्तारी की जाएगी, और सऊदी अरब में ईद अतवार वाले दिन मनाई जाएगी। जी मेरे भाई, अतवार वाले दिन सऊदी अरब में ईद उल फितर मनाई जाएगी। कल सऊदी अरब में 30वां रोज़ा रखा जाएगा। सऊदी अरब में पिछले साल भी 30 रमज़ान पूरे हुए थे, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 रमज़ान पूरे हुए हैं, और सऊदी अरब में अतवार वाले दिन ईद उल फितर मनाई जाएगी। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है, सऊदी अरब में कल से यानी कि आज मगरब के बाद से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, और ये कर्फ्यू 4 शवाल तक सऊदी अरब में रहेगा। ईद के 5 दिन सऊदी अरब में मुकम्मल कर्फ्यू है, और ईद की नमाज आप घरों में ही पढ़ेंगे। और इसके मुतलक भाई मैं आपको बताता चलूं, अतवार वाले दिन ईद पढ़ी जाएगी, कल सहरी रखेंगे आप, 30वां रमज़ान होगा सऊदी अरब में।